नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़कम, मैं हूँ रिचा दीवान मिजराणेश्वर पर आप सबका स्वागत है. फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस. सो आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक है. जी हाँ, फाइनली मैं रीडिंग लेकर हाजिर हूँ. उसका नाम है चैनल लव लेटर फ्रॉम योर पर्सन. यस, तो ये पर्सन आपके माइंड में कोई भी हो सकते हैं, लव इंटरेस्ट ऑब्वियसली, क्योंकि ये लव लेटर है. ठीक है, तो कोई भी लव इंटरेस्ट आपके माइंड में है, उनकी तरफ से आपके लिए ये लव लेटर है. ओके, चाहे आप सिचुएशनशिप में हैं, रिलेशनशिप में हैं, या आप मैरिड हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, या सेपरेशन में हैं, स्पेशली सेपरेशन में अगर आप हैं, तो ये जो है आपके लिए रीडिंग है. ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए जो मैसेजेस हैं ये हैं फ्रॉम देयर हायर सेल्फ. ओके, ये जो चैनल लव लेटर है ये है फ्रॉम देयर हायर सेल्फ. ओके, क्योंकि कई बातें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हम दोनों की तरह, हम लोगों की तरह एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, तो जो बातें वो आपसे नहीं कह पाते वो बातें इस चैनल लव लेटर में आपको बताई जाएंगी. ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए, हो सकता है कभी कभी ना कभी उन्होंने ये बातें आपसे कही भी हों कुछ केसेस में, लेकिन अक्सर जो बातें वो आपसे नहीं कह पाते वो बातें आपको इस लव लेटर में बताई जाएंगी. ओके, सो चलिए हम शुरुआत करते हैं. हमारे पास यहाँ पे है 3 पाइल्स, मैं आपको दिखा देती हूँ. पाइल 1 इज दिस ओशो ज़ेन डेक. Pile 1 is this Osho Zen deck. Pile 2 is the Romance Angels deck. Pile 1 is this Romance Angels deck. Okay. Center mein jo hai wo hai Romance Angels, Pile 2. Aur ye hai Pile 3, Magical Tarot deck. Pile 3. सो स्टार्टिंग फ्रॉम ओशो ज़ेन, ये जो सबसे छोटा डेक है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस. ओके, ओशो ज़ेन, सेंटर में रोमांस एंजल्स एंड मैजिकल टैरो. सो पॉज द वीडियो एंड फोकस ऑन द कार्ड्स. अपने पर्सन के बारे में सोचिए, फोकस ऑन योर पर्सन एंड अपनी आईज क्लोज कीजिए. क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, थिंक अबाउट योर पर्सन एंड सेलेक्ट द कार्ड्स. Select the piles. Okay friends, आप चाहे तो वीडियो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं. मैं शुरुआत करूँगी पाइल 1 से और मैं यूज़ करने जा रही हूँ चक्रा ओरेकल कार्ड्स और मैजिकल टैरो एंड रोमांस एंजल्स. ये रोमांस एंजल्स डेक. ओके, सो चलिए हम शुरुआत करते हैं. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चैनल लव लेटर फ्रॉम द पर्सन ऑफ पाइल 1. जस्ट अ सेकंड. Just a second, huh, friends? Okay. So, चलिए शुरू करते हैं. पहले मैं टैरो से शुरू करना चाहूंगी. पहला कार्ड है 9 of Pentacles. I will need to make space because बहुत सारे कार्ड्स हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा. Five of Cups.
ब्रेकअप्स, टेन ऑफ वॉन्स, जजमेंट, फोर ऑफ कप्स इन रिवर्स, द टावर इन रिवर्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, The Empress, Seven of Pentacles, Two of Cups, The World. तो पहले टैरो से देख लेते हैं, ठीक है, क्या एनर्जीज आई हैं. Just let me grab some water first. Okay friends, I've had some water. So चलिए let's start, शुरू करते हैं हमारी reading. My dear love, मैं तुम्हारे बिना बहुत दुखी हूँ, रोता हूँ. फ्रेंड्स एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग्स हैं इसमें, मेरी सारी रीडिंग जेंडर न्यूट्रल होती हैं. और अगर मतलब मैं अपने कन्वीनियंस के लिए शी जेंडर में बात करती हूँ, ठीक है, आप अपने हिसाब से एनर्जी स्विच कर सकते हैं. ओके, सो आई होप यू गाइस फाइंड इट क्विकली. ओके, मैं तुम्हारे बिना दुखी हूँ, रोता हूँ, परेशान रहता हूँ, मैं प्रेशर में हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ. जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम कितनी अबंडेंट हो, तुम कितनी रिच, हर तरह से रिच हो, चाहे वो तुम्हारी नेचर हो, तुम्हारी पर्सनालिटी हो, तुम्हारा बिहेवियर हो, तुम्हारी सोच हो, तुम हर तरह से रिच हो. मैं तुम्हारे साथ रिकॉन्सिलेशन चाहता हूँ. हाँ, मैं थर्ड पार्टी में था, लेकिन मैं उससे बाहर आने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ. मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेशन चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू इन्जॉय विद यू, पार्टी विद यू, सेलिब्रेट विद यू, एंड आई वॉन्ट टू हैव अ गाला टाइम विद यू. मैं तुम्हें वो कमिटमेंट देना चाहता हूँ जो कमिटमेंट तुम डिजर्व करती हो. मेरे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं डार्लिंग, जिसकी वजह से मैं बहुत टावर मोमेंट्स, डार्क नाइट ऑफ द सोल के मोमेंट्स में गुजर रहा हूँ फिलहाल, जिसकी वजह से मैं तुम्हें वो टाइम, वो जगह, वो औहदा नहीं दे पा रहा हूँ जिसकी तुम हकदार हो. मेरे ऊपर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, करियर के इश्यूज हैं. मैं भी डिसअपॉइंटेड रहता हूँ जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखता हूँ या किसी और के साथ बारे में सोचता भी हूँ तो मैं डिसअपॉइंट हो जाता हूँ. मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है. मैं रोता हूँ, आई एम गेटिंग, मैं चीखता हूँ चैनल मैसेज में, चीखता हूँ. तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, तुमसे कैसे कहूँ. हाँ, मैं पहले अपने ख्यालों में खोया हुआ था, मैं बहुत लॉस था, और तुमने मुझे बहुत कोशिश करी मनाने की, तुमने कोशिश करी मुझे उस दुख से बाहर लाने की, जबकि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, उसके बाद भी तुम इतनी अच्छी क्यों हो. तुम मेरी इतनी केयर करती हो, इतना मुझ खुद से ज़्यादा मुझे चाहती हो, तुमने मुझे रब बना.
तुमने मुझे अपनी नजरों में रब बना दिया है। मैं तुम्हारे प्रति एक्शन लेना चाहता हूँ। मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल के मोमेंट से गुजरने के बाद, फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व करने के बाद, पहला कदम जो उठाऊंगा वो ये होगा कि तुम्हारी तरफ कमिटमेंट का ऑफर दूंगा। और कार्ड देख लेते हैं। इनसिक्योरिटी, परफेक्शन, ट्रिकरी। व्हाट डिड आई टेल यू? कहा था ना मैंने आपसे कि इनको इनसिक्योरिटी इश्यूज हैं, वो आपको किसी और के साथ देख ही नहीं सकते। किसी और के साथ आपको देख ही नहीं सकते, और उनके अकॉर्डिंग आप परफेक्ट हो। यू आर परफेक्ट अकॉर्डिंग टू देम, सो प्लीज स्टॉप फाइंडिंग फॉल्ट्स इन योर सेल्फ। इनके साथ ट्रिकरी हुई है, यानी कि किसी ने इनके साथ चाल चली है, ठीक है, किसी ने इनको हर्ट किया है, जिस पे इन्होंने बहुत ट्रस्ट किया था उसको इन्होंने हर्ट किया है, सॉरी, जिसको जिस पे इन्होंने ट्रस्ट किया था उसने इनको हर्ट किया है। एंड आई एम गेटिंग देयर सेइंग सॉरी फॉर ट्रिकिंग यू। They are saying sorry, your person is saying sorry, वो माफ़ी मांग रहे हैं आपसे कि उन्होंने आपको धोखा दिया या आपको हर्ट किया। आप बहुत रोए हो, बहुत रोते हो, आप बहुत परेशान रहते हो, आपका दिल टूट चुका है। और ये पर्सन कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो मैं भी खुश नहीं हूँ यहाँ पे। ये आपको एज अ मदर ऑफ द चिल्ड्रन देखते हैं और एज अ फादर ऑफ द चिल्ड्रन। रोमांस एंजल्स डेक, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। आप लोग पास्ट लाइफ में भी एक दूसरे के साथ रह चुके हैं, पास्ट लाइफ में आपकी रिलेशनशिप्स रह चुकी हैं, आप लोग पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते हैं। एंड द सरप्राइज कार्ड, वेडिंग। व्हाट डिड आई टेल यू? मैंने क्या कहा था आपसे कि ये पर्सन जो है आपसे शादी करना चाहते हैं, और आपको सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद आपको सबसे पहला कमिटमेंट जो ये देंगे वो शादी का देंगे। और कुछ कहना बाकी है बताइए। चलिए इसी नोट पे हम ये चैनल लव लेटर को रैप अप करते हैं, इस रीडिंग को। फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी, कैसे आपके साथ क्या रेजोनेट हुआ कि मुझे ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट हुआ मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू अ लॉट। ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं पायल टू से। पायल टू, वेलकम टू द रीडिंग। जिन्होंने सेलेक्ट किया था रोमांस एंजल्स डेक, चलिए देखते हैं क्या आपकी रीडिंग है, यानी कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। चैनल लव लेटर क्या है आपके पर्सन की तरफ से। पहले हम चक्र ओरेकल कार्ड्स ले लेते हैं। जॉय इन रिवर्स, grief upright and guilt। तो आपके पर्सन खुश नहीं है, इतना साफ दिख रहा है आपको। मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसे कार्ड्स कह रहे हैं। जो कार्ड्स कहते हैं, कार्ड्स नेवर लाई। तो कार्ड्स की मैं आपको वही बता रही हूँ कि आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज चल रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है, तो वो आपसे खुश हो, आपके बिना खुश होंगे।
नहीं जी वो खुश नहीं है आपके बिना. ही और शी इज़ नॉट हैप्पी विदाउट यू, दे सैड विदाउट यू. ये देखिए ग्रीफ कार्ड, ये अपराइट आया है, वो दुखी है आपके बिना. जॉय रिवर्स में, वो दुख खुश नहीं है आपके बिना. गिल्ट, आपको हर्ट करने का उनको बहुत दुख है. माय लव, मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ. तुम्हें खोने का मुझे बहुत डर रहता है, तुम्हें हर्ट करने का बहुत गिल्ट है मुझे. दुनिया को ऐसे दिखाता हूँ जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मगन हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन अकेले में जब बैठता हूँ या रातों को जब सोचता हूँ तो मुझे पता है कि मैं अंदर अंदर बहुत अधूरा सा, बिखरा हुआ सा, टूटा हुआ सा महसूस करता हूँ. बहुत ही बिखरा हुआ सा महसूस करता हूँ मैं, बहुत ही टूटा हुआ सा, बिखरा हुआ सा. आप लोगों में से हो सकता है कि एज गैप हो, यानी कि आपके पर्सन या आपके पर्सन आपसे बड़े हों, हो सकता है कुछ केसेस में, कुछ केस में कंसिडरेबल एज गैप हो सकता है, कोई भी एक बड़ा हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में. लेकिन अगर आपके पार्टनर बड़े हैं तो वे कहना चाहते हैं कि वो आपको एक बच्चे की तरह देखते हैं. वे कह रहे हैं कि तुम्हें एक छोटे से बच्चे की तरह हो जिसको मैं पैम्पर करना चाहता हूँ, जिसको मैं पैम्पर करना चाहता हूँ. बस तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख देख लिए, बस अब मैं उन दुखों को दूर करके बहुत तुम्हें पैम्पर करना चाहता हूँ और इतनी खुशियाँ देना चाहता हूँ कि तुम समेट ही ना पाओ. मुझे तुम्हें चीट करने का बहुत बड़ा गिल्ट है, तुम्हें छोड़ के जाने का बहुत बड़ा गिल्ट है, तुमसे अपने मन की बातें ना कहने का बहुत बड़ा गिल्ट है, तुम्हें किसी भी तरह से दुख देने का, आंसू देने का मुझे बहुत बड़ा गिल्ट है. चलिए अब टैरो डेक्स पे आते हैं. फाइव ऑफ वांड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स. आई डोंट नो व्हाई आई सेड फाइव ऑफ पेंटिकल्स. आपके पर्सन को कोई फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं क्या? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एस ऑफ स्वॉर्ड्स, The Hanged Man, Seven of Swords, Ten of Cups, Two of Pentacles, Seven of Cups in Reverse, Four of Swords, Three of Pentacles, Eight of Wands in Reverse, Knight of Swords in Reverse, The Moon upright, Ace of Cups. The Fool, Ten of Swords, क्या कहा था मैंने आपसे? Ten of Swords, Queen of Wands in Reverse. So, my dear love, dear sweetie, dear cuto. मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ टूवर्ड्स यू. मैं तुम्हारे लिए किसी से भी लड़ जाऊँगा. तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पीछे मैंने कितने से लड़ाई भी करी है. हमारे बीच में कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हों, कितनी भी लड़ाइयाँ हों, ईगो बैटल्स हों, लेकिन हमारा जो रिश्ता है वो कभी नहीं टूटेगा और वो खास रहेगा. मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, तुम्हें पैम्पर करना चाहता हूँ,
मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, पता नहीं क्यों। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास पता नहीं कितने ऑप्शंस हैं, मैं पता नहीं कितनों से बात करता हूँ। क्यों लगता है ऐसा तुमको, जो तुम्हें पता है कि तुम परफेक्ट पैकेज हो मेरे लिए? मेरे जैसे गधे को भी तुम प्यार करती हो? तुम तो बहुत कुछ इतना अच्छा डिजर्व करती हो, मैं तो तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। आज तक दिया ही क्या है मैंने तुम्हें? धोखा, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, सेपरेशन, डिस्टेंस, दुख, आंसू, फिर भी तुम मुझे चाहती हो। तुम्हें धोखा देने का अंजाम मैं भुगत रहा हूं अभी। जिसके ऊपर मैंने ट्रस्ट किया था, मुझे पता चला कि उसने अपने पावर का मिसयूज किया है। जिसके ऊपर मैंने ट्रस्ट किया, जिसके ऊपर मैंने बहुत भरोसा किया था, उसने मुझे धोखा दिया। जिसकी तरफ मैं अंधे होके चला जा रहा था, किसी घमंड में था, पता नहीं किस मस्ती में था, किस अंधविश्वास में था कि मैं चला जा रहा था उसकी तरफ, और उसने मुझे धोखा दिया। और तुम, जिसने मुझे इतना अच्छा ओहदा दिया अपनी नज़रों में, अपनी ज़िंदगी में, उसके ऊपर मैंने उसको दरकिनार कर दिया। मैं फ़िलहाल बात करने की कंडीशन में नहीं हूँ। मैं इसलिए तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बात करने की कंडीशन में नहीं हूँ। तुम्हारे कॉल्स और मैसेजेस में सारे पढ़ता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ। प्लीज़ स्लो डाउन। वी आर मेंट टू बी एंड वी विल बी टुगेदर। हम लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं और एक दूसरे के ही होंगे। मैं तुम्हारे साथ एक फैमिली देखता हूँ, घर देखता हूँ, घर बसाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। दो बच्चे, एक घर, और हम दोनों एक रेनबो के नीचे खुले आसमान में बाहों में बाहें डाले खड़े हों, ये मेरा सपना है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जितना तुम सोच नहीं सकती उतना। मैं पैसा और प्यार दोनों तुम्हारे ऊपर नछावर करना चाहता हूँ, बहाना चाहता हूँ पानी की तरह। आई वॉन्ट टू मेक पीस बिटवीन बोथ ऑफ अस। मैं अपने फाइनेंसेस को जगल कर रहा हूँ, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपनी फैमिली भी और अपने बैलेंस, अपने मनी भी, अपने फाइनेंसेस भी, अपना करियर भी। कहाँ जाऊँगा, तुम्हारे पास ही आऊँगा मैं, फिक्र मत करो। तुम्हारे पास ही आऊँगा मैं। चलिए, सॉरी मैं रो पड़ी थी। मेरी जो अभी रोमांस एंजल्स कार्ड्स बाकी हैं फ्रेंड्स, तो कहीं मत जाइएगा। पहला कार्ड है फ्री योरसेल्फ।
children, honeymoon, release your ex, chemistry. ये कार्ड उस पाइल में से था. ओके, आपके पर्सन किसी कार्मिक सिचुएशन से खुद को फ्री करना चाह रहे हैं. ठीक है, किसी बर्डन से, किसी टॉक्सिक सिचुएशन से खुद को फ्री करना चाह रहे हैं. हो सकता है इस पर्सन के बच्चे हों उस कार्मिक पर्सन से, यानी कि मैरिड हों, डिवोर्सी हों, तो उससे खुद को फ्री करना चाह रहे हैं. ठीक है, या चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो चुप बैठे हैं, वो एक्शन नहीं ले रहे हैं. इसका मतलब ये भी है कि ये पर्सन इमेच्योरली एक्ट करते हैं कभी कभार. ठीक है, ये पर्सन के इनर चाइल्ड इश्यूज भी हो सकते हैं. इनको हो सकते हैं कि चाइल्डहुड में कुछ ट्रॉमास रहे हों, तो इनका इनर चाइल्ड इश्यूज भी हो सकते हैं. ये पर्सन आपके साथ चिल्ड्रन चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं. आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है. ठीक है, एंड आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं. हनीमून मींस ऑब्वियसली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ. और उनको जैसे फ्री और सेल्फ और रिलीज और एक्स कार्ड, एक के ऊपर एक कार्ड आए हैं, तो डेफिनेटली अपने एक्स से खुद को फ्री करना चाहते हैं. अपने एक्स से खुद को, अपने एक्स जो भी इनकी एक्स थी या इनका एक्स था, उनसे खुद को फ्री करना चाहते हैं. ठीक है, ये कन्फर्मेशन आ गया है. ठीक है, और इनको आपके साथ एक केमिस्ट्री फील होती है फ्रेंड्स, एक अट्रैक्शन फील होता है, मैग्नेटिक पुल फील होता है आपकी तरफ. सो यही वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं अपने एक्स से खुद को फ्री करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ. मैं ट्रैप्ड हूँ फिलहाल, और अपने बच्चों की वजह से चुप बैठा हूँ, जिनके बच्चे हैं, जिनके ऐसे सिचुएशन है, या मैं अपने इनर चाइल्ड इश्यूज की वजह से चुप बैठा हूँ, मैं तुम्हारे साथ बच्चे चाहता हूँ, ये सिचुएशन हो सकती है, या चाहती हूँ. मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, और तुम्हारे साथ एक मैग्नेटिक पुल है वो मुझे फील होता है, अट्रैक्शन है जो मुझे फील होता है, आकर्षण है जो मुझे फील होता है. और तुम मुझे मासूम सी एक परी सी लगती हो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखना चाहता हूँ. सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी पाइल 2 की रीडिंग. आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, एंजल हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू. चलिए मूविंग ऑन टू पाइल 3. पाइल 3, जिन्होंने ये मैजिकल टैरोट डेक सेलेक्ट किया था, ठीक है, पहले आपकी ये कार्ड स्ट्रक्चर और ओरेकल कार्ड देख लेते हैं. जब मैं ये कार्ड शफल कर रही थी ना, तो कार्ड बहुत ही मुश्किल से निकले हैं. मतलब आपके पर्सन ना बात ही कम करते होंगे, हो सकते आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे आपसे, तो कार्ड बहुत मुश्किल से निकले. कॉम्प्लेसेंसी, अब समझ में आया क्यों नहीं बात कर रहे, यहाँ कार्ड्स क्यों नहीं निकल रहे थे. वर्कहॉलिक, और देख लो क्यों नहीं बात कर रहे. सर्विस, डियर लव, मैंने खुद को, मैं तुमसे, मेरे मन में तुम्हारे लिए मोहब्बत है, लेकिन मैं, मेरे कुछ हर्टफुल एक्सपीरियंसेस रहे हैं पास्ट में, जिन्होंने मुझे, They have shaken me awake. उन्होंने मुझे हिला के रख दिया, उन्होंने मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया. फिर लेकिन जब तुम मेरी जिंदगी में आई ना, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार, तुम जैसे लोग, यानी कि एक प्यार करने वाले, ट्रू लव करने वाले, सच्चा प्यार करने वाले लोग अभी भी इस दुनिया में हैं, कि ट्रू लव एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है अभी, यहाँ से मरा नहीं है, गया नहीं है, गायब नहीं हुआ है. पर मैं क्या करूं, मैं अंदर से खुद को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाता हूं. एक शील्ड बना ली, प्रोटेक्टिव शील्ड अपने ऊपर मैंने.
मैंने खुद के ऊपर घमंड की एक शील्ड बना ली है कि ताकि आई मेड आइस वॉल्स अराउंड मी, वॉल्स ऑफ आइस अराउंड मी दैट नोबडी कैन ब्रेक. एक ऐसी बैरियर बना लिया है जिसे कोई तोड़ ना सके, क्योंकि ताकि अगर किसी ने वो बैरियर तोड़ा तो शायद मैं ना टूट जाऊं, मुझे इस बात का डर रहता है. हमारा इंटेंस कनेक्शन, तुम्हारा तुम्हारे साथ ही जो इंटेंसिटी है इस कनेक्शन में, जो इतना गहराव है, इतना डीप कनेक्शन है, कि कई बार मैं इससे घबरा जाता हूँ. मैं इसकी वजह से मैं घबरा जाता हूँ कि द इंटेंसिटी स्केयर्स मी. मैं इसलिए तुम्हारे बारे में ना सोचूं, मैं खुद को काम में डुबो लेता हूँ, वर्कहोलिक बन के रह गया हूँ. काम 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 काम, सिर्फ काम. मेरे घर में कुछ एल्डर्स हैं, जिन एक कोई एल्डर हो सकता है इनके घर में जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये उनकी तबीयत को ख्याल रखने में बिजी हैं. ठीक है, इनकी मदर या इनके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई है, इनके फैमिली में कोई है जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिनकी तबीयत को ठीक करने में टाइम स्पेंड कर रहे हैं ये, मतलब उनका ख्याल रखने में टाइम स्पेंड कर रहे हैं ये. मुझे पता है तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे परिवार को मेरी अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. चलिए टैरो कार्ड देख लेते हैं. नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, द सन, सो फार सो गुड, द शैरियट, द लवर्स, जस्टिस, पेज ऑफ वॉन्स, Temperance. I love this card because of Archangel Michael. Page of Cups. King of Swords. King of Cups. Four of Wands. Ace of Wands. Knight of Cups, Four of Pentacles. So, dear beautiful, क्या तुम्हें पता है कि तुम कितनी खूबसूरत हो या तुम कितने handsome हो? ठीक है, you can suit your energies, switch your energies, okay, according to your gender. ठीक है, तुम्हें पता है कि तुम कितनी अट्रैक्टिव हो, कितनी खूबसूरत हो, कितनी मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से शी जेंडर में बात करती हूँ. फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से जेंडर स्विच कर सकते हो ही या शी में. मैं तुम्हारे साथ मैरिज चाहता हूँ, बच्चे चाहता हूँ, सेटल डाउन होना चाहता हूँ, डेफिनेटली मैरिज चाहता हूँ. हमारे बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग पुल है जो मुझे अब फील हुआ, जो मुझे एहसास हुआ कि हमारा कनेक्शन कितना डीप है, कितना इंटेंस है. आई वॉज शेकन, ट्रस्ट मी, आई वॉज शेकन, मैं हिल गया. इस सच्चाई ने मुझे हिला के रख दिया कि मुझे जब एहसास हुआ कि ये प्यार है जो तुम्हारे साथ में फील करता हूँ, ये प्यार है जो मैं कभी एडमिट नहीं करना चाहता था. तुम्हें सोशल मीडिया पे वॉच करता हूँ मैं, तुम्हारी सारी एक्टिविटीज पे मेरी नजर है. तुम्हारे सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ मैंने देखा जिसकी वजह से मेरी नींदें उड़ गईं. मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे लिए इतना गुड इनफ नहीं हूं क्या? तुम मुझे चिढ़ाती क्यों रहती हो? तुम मेरा पेशेंस क्यों टेस्ट करती रहती हो?
तुम मुझे चिढ़ाती क्यों रहती है, तुम मुझे छेड़ती क्यों रहती है किसी और के नाम से, किसी और की फ़ोटोज़ के साथ, किसी और की अपना किसी और के साथ रह के, या मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता है। मानता हूँ कि मैं बहुत प्लान्स बनाता हूँ लेकिन उन प्लान्स पे खरा नहीं उतरता हूँ, लेकिन मैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में ज़रूर आऊँगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यानी बहुत ईगोइस्टिक एनर्जी से किंग ऑफ कप्स यानी मास्टर ऑफ इमोशंस यानी कि बैलेंस्ड काम लविंग एनर्जी में ज़रूर आऊँगा मैं। और हमारा साथ डेस्टिन्ड है, लिखा हुआ है, इट्स अ फेटेड कनेक्शन। मैं अपने फाइनेंसेस को ठीक करने में लगा हुआ हूँ अभी, मेरे फाइनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, करियर में प्रॉब्लम्स चल रही थी, मैं उनको सॉल्व करने में लगा हुआ हूँ। किसी के साथ लीगल बैटल चल रहा है, उसको सॉल्व करने में लगा हुआ हूँ। जैसे ही वो सॉल्व होता है, कुछ लोगों के लिए होगा ये स्मॉल परसेंटेज, उनको सॉल्व करने में लगा हूँ, जैसे वो लीगल बैटल सॉल्व होता है वैसे ही मैं तुम्हारे पास ऐसे आऊँगा। मुझे तुम्हें एक प्रपोजल देना है, डेफिनेटली प्रपोजल देना है मैरिज का, और प्रपोजल इस अंदाज में दूंगा वो तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा होगा। बस थोड़ा पेशेंस और रख लो, थोड़ा सा और पेशेंस रखो, क्योंकि मुझे पता है तुमसे कुछ छुप नहीं सकता है, तुम्हारी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत शार्प हैं, तुमसे कुछ छुप नहीं सकता है। तो बहुत कुछ भी छुपाने की जब भी मैंने कोशिश करी तो मुझे लिखा कि तुमसे मैं कुछ छुपा नहीं सकता। तुम्हारे साथ नई शुरुआत चाहता हूँ, जो हो गया उसको मिट्टी पाके आगे शुरुआत नहीं करना चाहता हूँ मैं। और देखना हमारे तुम्हारी तरह खूबसूरत से बच्चे होंगे। ओके फ्रेंड्स, ये था टैरो रीडिंग के थ्रू आपके कार्ड्स। अब हम देख लेते हैं आपके रोमांस एंजल्स कार्ड्स। ओके, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। फाइनेंसेस एंड करियर, ओ माय गॉड, व्हाट डिड आई टेल यू, बताया था ना मैंने आपको, वर्थ वेटिंग फॉर। आई लव दिस कार्ड। एंजल्स रिट्रीट एंड ट्रू लव, एंड देन वी हैव लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन जो हैं, डेफिनेटली वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो अपने फाइनेंसिस और करियर को बनाने में लगे हुए हैं, वो आपके लिए ही इतने जतन कर रहे हैं कि मैं जो जतन कर रहा हूँ फ्रेंड, मैं माई डियर, मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, और वो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। हो सकता है आप लोग शुरुआत में फ्रेंड्स रहे हों, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये कि आप लोग शुरुआत में फ्रेंड्स रहे हों और वो आज भी आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, ट्रू फ्रेंड मानते हैं आपको अपना, और फ्रेंडशिप के साथ साथ वो इस चीज़ को ट्रू लव भी कहते हैं कि उनको आपसे सच्चा प्यार हो गया है और वो आपकी, आप उनके ट्रू लव हो। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। योर्स इज अ लकी कनेक्शन। ओके, दे हैड सम ट्रस्ट इशूज। हो सकता है आपने कुछ सोशल मीडिया पे ऐसा पोस्ट किया हो जिसकी वजह से उनको ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे, या ऐसा कुछ उनको हुआ था, या उनके पास्ट में उनको, जैसे मैंने बताया था कि पास्ट में उनको लोगों ने उनके विश्वास को तोड़ा है जिसकी वजह से उनको ट्रस्ट इश्यूज थे। तो एंजल्स उनको विश्वास दिला रहे हैं कि नहीं, आपका आपके प्यार का एहसास दिला रहे हैं उनको, आपके प्यार की सच्चाई का एहसास दिला रहे हैं उनको, पता चल रहा है, क्योंकि वो अपने करियर में इतने डूबे हुए हैं अभी फ़िलहाल कि उनको कुछ सोच ही नहीं रहे उसके अलावा, लेकिन आप उनके माइंड पे रहते हो, उनको पता है कि आपका कनेक्शन जो है इट्स वर्थ वेटिंग फॉर, और वो आपसे भी कहना चाहते हैं कि मेरा थोड़ा, मेरा जो है इंतज़ार करो, और ये कनेक्शन जो है हमारा साथ होगा, वी आर मेंट टू बी। और वो आपके साथ आपको कहीं दूर दुनिया से लेके जाना चाहते हैं, छुपा के कहीं रखना चाहते हैं आपको, ठीक है, आप उनके लिए हीर हो, नूर हो, रांझा हो, ठीक है, तो वो आपको छुपा के रखना चाहते हैं दुनिया से कहीं दूर, आपको बहुत प्रेशियस तरीके से, करीने से आपको संजो के रखना चाहते हैं आपकी यादों को। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग पाइल 3।
सो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी आज की चैनल लव लेटर मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम सॉरी आई गॉट इमोशनल। अगर आप भी इमोशनल हो गए थे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आई पर्सनली एंजॉयड डूइंग दिस रीडिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम के बाद करी है मैंने ये चैनल रीडिंग और बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको चैनल लव लेटर की रीडिंग चाहिए। सो आई होप यू गाइज आर हैप्पी नाउ। सो स्माइल, चीयर अप एंड wear your best dancing shoes, okay? So put on a song and dance, enjoy your life, okay friends? So चलिए मैं आपको मिलूंगी नए दिन नए वीडियो नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल को कुछ डोनेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजन टैरो विश लिस्ट है, जिसमें से आप कोई भी डेक कोई भी क्रिस्टल सेलेक्ट करके आप मुझे डोनेट कर सकते हैं इस चैनल को, ओके? ताकि नए नए डेक्स मैं लेकर आती रहूँ आप लोगों की रीडिंग्स के लिए, ठीक है? सो बाकी दो डेक्स मैंने ऑर्डर किए हैं, वो आ रहे हैं, दे आर ऑन देयर वे। सो तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, मेरी रीडिंग्स देखते रहिए। और कोई भी कभी भी आप अगर आपको परेशानी महसूस हो तो मेरा चैनल है ना, तो मेरे चैनल पर जाके आप कोई भी रीडिंग देख सकते हो। आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी रीडिंग है वो आपको मिल जाएगी, तो उसमें आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? सो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, अगर आपको रीडिंग का बहुत शौक़ है, ब्लॉग्स पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो मेरे दो ब्लॉग्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके दो ब्लॉग्स के लिंक्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, वो आप पढ़ सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में खूबसूरत बदलाव ला सकते हैं। उनको पढ़ के इंजॉय कर सकते हैं उन ब्लॉग्स को। चलिए, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सेयोनारा, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, एंजल हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।